अगेन वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे फार्मेसिस्ट सीरीज 2020 की, जिसके अंदर फार्मेसिस्ट जो एग्जाम है उसके तीन सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट हो चुका है, हॉस्पिटल फार्मेसी कंप्लीट हो चुका है और ज्यूरिसप्रूडेंस कंप्लीट हो चुका है। आप मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस को देख के अपनी स्टडी स्टार्ट करें। मैंने एक ब्रीफ नोट दिया हुआ है, उसी अकॉर्डिंग और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने डिस्कस किए हैं, आप उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिगार्डिंग मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी है, जो हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो मैं आज टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है एंटीबायोटिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स का मीनिंग है लाइफ अगेंस्ट लाइफ, यानी कि हम किसी से दवाई बना रहे हैं, वो जिससे हम दवाई बना रहे हैं वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक लाइफ है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? जैसे फर्स्ट हमने जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ है वो है पेनिसिलिन, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो पेनिसिलिन हमने एक फंजाई से लिया है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। तो हम उसमें से फंगस में से वो जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन उसको निकाल दिया है और जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया है, ताकि जब भी ऐसा कोई दूसरे इन्फेक्शन हो जाए, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हो जाए, तो वो जो पेनिसिलिन है वो उसके अगेंस्ट वर्क कर सकता है। इसीलिए हमने इसको बोला है लाइफ अगेंस्ट लाइफ, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमने वो दवाई निकाल ली है और उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो दूसरी स्पीशीज है जो डिजीज करती है उनके अगेंस्ट में हम ह्यूमन बॉडी का बचाव करते हैं, वो क्या होती है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का जितना हो सकता है हमें कम यूज करना चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं देन यूजेस के। तो हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पेनिसिलिन की, क्योंकि सबसे फर्स्ट यही डिस्कवर हुआ और इस पे से क्वेश्चन भी बनते हैं। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? पेनिसिलिन की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखिए पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में दो रिंग है। एक रिंग का जो नाम है वो है बीटा लैक्टम रिंग। ये जो आपको ए रिंग है वो बीटा लैक्टम रिंग है। दैट इज ये जो हमारी है ये एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने के लिए ये रिंग इसेंशियल होती है। और जो दूसरी अगर केमिकल जो कंडीशंस है उनको सही करने के लिए जो रिंग है वो है थियाजोलिडीन रिंग। ये आप देख सकते हो एक 5 मेंबर्ड रिंग है थियाजोलिडीन रिंग, जिसमें एक सल्फर एटम है और इसमें दो मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है और यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और यहाँ पे जो बीटा लैक्टम रिंग है ये 4 मेंबर्ड रिंग है और इसके पास एक ऑक्सो ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है और एक आपका एमाइड ग्रुप है और आर है। यहाँ पे सारे सब्स्टिट्यूशन इस आर पे होते हैं, ठीक है। इस आर से हम चेंज करते जाएंगे और हमें नई नई पेनिसिलिन मिलेगी। जैसे ये थियाजोलिडीन रिंग जो है वो केमिकली एक्टिव होती है, जो भी केमिकल रिएक्शंस होगी उसको ये फॉलो करेगी, और बीटा लैक्टम जो रिंग है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करना है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो ये वाला काम आएगा। अब हम बात करते हैं कि इस आर पे किस तरह से सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं और हमको कैसे कैसे नई पेनिसिलिन मिलेगी। तो देखो क्वेश्चन जनरली आता है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एग्जांपल दीजिए, दैट इज पेनिसिलिन और इसकी जो भी स्पीशीज है वो बीटा लैक्टम, जिसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होगी वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होगा। तो आपको ध्यान में रखना है पेनिसिलिन के अंदर जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो ड्यू टू बीटा लैक्टम रिंग होती है। अब हम इस आर पे सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और अलग अलग इन्फेक्शन के लिए पेनिसिलिन डिफरेंट पेनिसिलिन का हम यूज देखेंगे। तो देखो एग्जाम में एक ही आता है, एक और आता है कि कौन सी रिंग होती है 5 मेंबर्ड रिंग। तो ये दो रिंग फ्यूज होती है थियाजोलिडीन रिंग और बीटा लैक्टम रिंग, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि जो पेनिसिलिन होती है वो एसिडिक पीएच पे क्या बनाती है और बेसिक पीएच पे क्या बनाती है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एसिडिक पीएच पे पेनिसिलिन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है पेनिसिलिक एसिड में, और जो बेसिक है बेसिक पीएच पे वो पेनिसिलिक एसिड। तो सिलिक एसिड यानी H+ पीएच पे
और OH माइनस अजय पेनिसिलोइक, जैसे OH है ना ऑल बोलते हैं हम OH को, तो वैसे ही पेनिसिलोइक एसिड बन जाएगा बेसिक मीडियम में। तो ये दोनों ही इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं, इसीलिए जो पेनिसिलिन होती है वो एज अ स्वीटर आयन की फॉर्म में ये क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो आप ये ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन भी 3 बार आया हुआ है कि पेनिसिलिक एसिड कब बनेगा एसिडिक पीएच पे और पेनिसिलोइक एसिड कब बनेगा बेसिक पीएच पे। अब हम बात करते हैं पेनिसिलिन जो है वो हमको किससे मिलता है, तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया फंजाई से मिलता है, ये क्वेश्चन ड्रग इंस्पेक्टर में आया हुआ है। पेनिसिलियम जो क्राइसोजिनम है वो क्या है, फंजाई है, तो ये ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं इसकी कि 1 मिलीग्राम सबसे जो नेचुरल पेनिसिलिन है उसको हम कहते हैं पेनिसिलिन जी, ठीक है। पेनिसिलिन जी इज अ नेचुरल पेनिसिलिन, और इस ये जो पेनिसिलिन होती है वो किसकी डेराइवेटिव होती है, दैट इज 6-APA 6-अमीनो पेनिसिलानिक एसिड। तो ये होता है 6-अमीनो पेनिसिलानिक एसिड। और फिर पेनिसिलिन जी क्या होता है, अगर हम इस आर की जगह पे ये बेंजाइल ग्रुप लगा देते हैं, ये आपको दिख रहा है बेंजाइल ग्रुप, ठीक है, बेंजीन के साथ में ये दिया हुआ सब्स्टिट्यूशन दैट इज बेंजाइल ग्रुप, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, आर की प्लेस पे ये रख दो तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन जी, दैट इज नेचुरल पेनिसिलिन। अब हम बात करते हैं पेनिसिलिन वी की, क्योंकि पेनिसिलिन जी के साथ वी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन फिनॉक्सी मिथाइल ग्रुप, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए ईथर ग्रुप लगा हुआ है इसलिए फिनॉक्सी बोल दिया है, फिनॉक्सी मिथाइल ग्रुप अगर आप आर की जगह रख दोगे दैट इज पेनिसिलिन वी। ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और हम बात करते हैं कि 1 मिलीग्राम ऑफ पेनिसिलिन जी यानी कि बेंजाइल पेनिसिलिन जो है उसकी 1 मिलीग्राम इजिकल्स टू कितना यूनिट होता है, ये जीपेट का क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान में रखना है 1 मिलीग्राम इजिकल्स टू किसका, पेनिसिलिन जी का 1667 यूनिट्स होता है। अब हम बात करते हैं एक रिएक्शन होती है जेरिश हेक्स हैमर रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होती है, जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं तो वो अपने जो अंदर एक्सो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो अपनी हमारी बॉडी में छोड़ देते हैं, तो वो किल तो हो जाते हैं लेकिन उनके कुछ जो पार्ट है पैथोजेनिक पार्ट है एलर्जन सब्सटेंस है वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में उस एलर्जिक कंडीशंस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं जेरिश हेक्स हैमर। तो हेक्स हैमर रिएक्शन जो होती है जेरिश हेक्स हैमर रिएक्शन वो कॉमनली किसके साथ होती है, पेनिसिलिन जी के साथ में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन जी दैट इज जेरिश हेक्स हैमर रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कुछ अलग टाइप के पेनिसिलिन की, अमीनो पेनिसिलिन क्या होती है, अमीनो नाम से ही पता चल रहा है अमीनो पेनिसिलिन दैट इज एम्पीसिलिन एमोक्सिसिलिन पिवेम्पेसिलिन, ठीक है, एम्पीसिलिन एमोक्सिसिलिन पिवेम्पेसिलिन, तो ये सारी क्या होगी अमीनो पेनिसिलिन। ये क्वेश्चन फार्मेसिस्ट के क्वेश्चन में फार्मेसिस्ट वाले एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस कि अमीनो पेनिसिलिन कौन कौन सी है, तो उसमें पिवेम्पेसिलिन दिया हुआ है, एम्पीसिलिन एमोक्सिसिलिन हमें याद रह जाएगा लेकिन पिवेम्पेसिलिन हमको याद करना है कि ये भी अमीनो पेनिसिलिन है। अब हम बात करते हैं यूरिडो पेनिसिलिन की, तो एजलो मेजलो पाइपरिजीन है ना, एजलो मेजलो पाइपरिसिलिन, इसकी मैं एक ट्रिक बता देती हूं, आज मुझे पाइपरिजीन चाहिए किसकी, यूरिडो पेनिसिलिन की ट्रिक है। तो आज से हो गया एजलो, मुझे से हो गया मेजलो और पाइपरिजीन चाहिए तो पाइपरी सिलीन, तो ये हो गई हमारी यूरिडो पेनिसिलिन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेनिसिलिन नेज रेजिस्टेंस, एक एंजाइम होता है पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, वो पेनिसिलिनेज या फिर आप उसे बीटा लैक्टमेज भी कह सकते हैं, वो क्या करता है इस ये जो रिंग है इसको तोड़ देता है जिसकी वजह से पेनिसिलिन की एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो क्या होता है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो पेनिसिलिन एंजाइम से मतलब रेजिस्टेंट होता है उनके अंदर कि वो उससे लड़ सकती है, अगर ये ब्रेक भी कर देता है तो वो उस एंजाइम को डिस्ट्रॉय करके अपना एक्शन दिखाती है। तो ऐसी कौन सी ड्रग्स होती है, मेक्सिलिन
नेफसिलीन, ऑक्सा डाइक्लो और क्लोक्सासिलीन। ठीक है, क्लोक्सासिलीन, डाइक्लोसिलीन, ऑक्सासिलीन, नेफसिलीन और मेथिसिलीन, ये सारी पेनिसिलीन है इसके अगेंस्ट वर्क करेगी। ठीक है, पेनिसिलीन जी जो होता है वो वर्क नहीं करता है, इस एंजाइम से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिड रेजिस्टेंस, यानी कि अगर स्टमक के अंदर जाएगी तो स्टमक में एचसीएल है, एचसीएल से भी कुछ पेनिसिलिन होगी, वो क्या बना देगी, पेनिसिलिक एसिड, डेट इज क्या होगा, इनएक्टिव कंपाउंड है जिससे एक्टिविटी नहीं आएगी। तो ऐसी कौन सी पेनिसिलिन है जो एसिड के अगेंस्ट वर्क करती है, तो वो है हमारी पेनिसिलिन बी, जो मैंने अभी बताया आपको, पेनिसिलिन बी, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन और वापस से ये ऑक्सासिलिन, डाइक्लोसिलिन और क्लोक्सासिलिन, ये तीनों ड्रग वापस से एसिड के लिए भी रेजिस्टेंट है। इसका मतलब ये तीनों ड्रग पेनिसिलिन के अगेंस्ट भी है और एसिड के अगेंस्ट भी है, लेकिन मेथिसिलिन और नेफसिलिन जो है वो पेनिसिलिन इसके अगेंस्ट है और एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन बी जो है वो एसिड के रेजिस्टेंट है। तो ये आपको लर्न करना है। एक क्वेश्चन और आता है कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जो है, अगर मेथिसिलिन से स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस का इलाज नहीं होता है, रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है कोई इंसान, अगर उसको स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस ने इन्फेक्ट किया है, वो रेजिस्ट हो गया, उसको मेथिसिलिन कितनी भी दे रहे लेकिन नहीं वर्क कर रहा है, तो कौन सी ड्रग यूज होगी, डेट इज वैंकोमाइसिन। कौन सी ड्रग है, वैंकोमाइसिन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारा आज पेनिसिलिन वाला टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।